हॉस्पिटल में डेड बॉडी रखी हुई है, उसमें आपको शिफ्ट करना है। डेड बॉडी कैसा लेके जाना बोलिए, रात के 9 बज रहे हैं। आप लोग आए डेढ़ घंटे के बाद, पहले से आठ होता तो हमारे लोग आने थे अभी हॉस्पिटल में। एक इमरजेंसी उसको ले लेगा, उसका मदद दूँ आके भाई। आ रहे हैं, अरे भाई आ रहे हैं। पुलिस वाले आए तो हैंड ओवर देना है ना भाई, वही बोले पुलिस वाले आए तो पुलिस के नीचे होगा तो कुछ नहीं आ रहा। पुलिस वाले डिपार्टमेंट आ गया, आ गया ना डिपार्टमेंट, गाड़ी प्रोवाइड इसमें गाड़ी प्रोवाइड नहीं करते तो इन्हें ले जाने का आशय। आप ऑटो लाओ, कुछ भी लाओ, लेके जाओ बॉडी। एम्बुलेंस नहीं अपने पास, एम्बुलेंस नहीं अपना आने का कहाँ है फिर? तो फिर सहूलत क्यों नहीं है? जवान गए भाई, जवान आते उनके टाइम पे आते, कॉल कर दो ना आ जाते। मगर मैं ये पूछ रहा हूँ, दवा खाना है, पब्लिक में बात करो, पब्लिक में बात करो। ये कहीं को रखे गाड़ियाँ, गाड़ी क्यों रखे? क्या बोल रहा हूँ, एक ही ड्राइवर है मेरे पास, वही बोल रहा हूँ। कहाँ ड्राइवर चाहिए? ड्राइवर बुलाओ, उसको बुलाओ इधर। मैं माफी चाहता हूँ, एयरलेस हो गया। पहले देखो, पहले पेंडेमिक चल रहा, सुनो, पहले पेंडेमिक चल रहा, सब जने परेशान है। हाँ भाई, सब जने परेशान है। तुम्हारे घर में बीमारी आ सकती, मेरे भी घर में बीमारी आ सकती है। सुनो, जब पैसा जीता जाता इंसान परेशान है, डेड बॉडी परेशान है, डेड बॉडी परेशान है। अरे भाई ये गाड़ी सुनो, मैं वो बॉडी को भी लेके जाने में ये बात करा, मगर लास्ट टाइम बंदा क्या बोला मालूम? हमारे साथ से बात करना पड़ता, मतलब अब शिफ्ट करने के लिए दलाली करना। तुम्हारा ये ड्राइवर बोल रहा हूँ, क्या बात करा मालूम? कब करे भाई, कब करे? घंटे के बाद ट्रीटमेंट हुआ, एक घंटे के बाद मैं जिम्मेदारी लिया उसकी साइन करके। अरे तुम लोग डॉक्टर आए यारो, हजामा है जवान को भी जवान ने। आप जो क्या पूछे वो बोलिए, डेढ़ घंटे से गलत क्या है भाई? राइट बात कर रहे, ये राइट है। अरे वो एक बात आधा घंटा हो आगे, पूरी तरह ठहरे हैं, पूरे साइन करते, जिम्मेदारी लेते, आपकी इज्जत करते हैं। हाफ एन आवर के ऊपर से ठहरे हुए सब हम लोग, घंटे से खड़े हुए हम लोग और डेढ़ घंटे डॉक्टर है। आप लोग इज्जत करते, रेस्पेक्ट करते, पुलिस वाले रेस्पेक्ट करते। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरा एक फर्ज बनता। पहले तो मैं इंडियन सिटीजन हूँ, पूरी पेंडेमिक से पूरी आवाम परेशान है, ये कोरोना वायरस से सब परेशान है। आप लोग आए थे ना, डेढ़ घंटे से बॉडी अंदर पड़ी हुई है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। बॉडी कहाँ है? पड़ी हुई है बॉडी साइड में है। अभी भी यहाँ क्यों है साहब? सुनो, आप क्या बोले, क्या क्या से बोलते बोले देना। डेढ़ घंटे से बॉडी पड़ी हुई है, देखो रोड पे भीख मांगने वाला बच्चा है ये। मेरे भाई गरीब पास कोई नहीं है, नहीं गरीब को नहीं पूछते हाँ? मांगने वाला है, आज गरीब मर गया, आज गरीब परेशान है, मगर आज अमीरों की इज्जत है। मर गए इंसान, मर गए इंसान। एक मिनट रुक जाओ, अरेंज करना है। बोलिए आप, बोलिए। आप किसी को साइन करके बॉडी लेके जाओ, आप किसी को बोले? अभी भी डेड बॉडी पड़े हुई है, अभी भी पड़े हुई है, मगर अभी भी एक्शन नहीं है। इतने जन आ गए तो मगर क्या नहीं था? एक्शन क्यों नहीं? एम्बुलेंस कहाँ है आपकी? शिफ्ट करना है, कब आ रही भाई? कहाँ है, कहाँ है? कोरोना वायरस है, पहले सब परेशान है। हजारों की तादाद में तुम्हारे जो दवाखाने का घेरा कर लेते थे। लगाओ ड्राइवर, लगाओ लगाओ। ये दूसरी बार हो गया, महीना महीने में दूसरी बार हुआ, दूसरी बार हुआ ये दवाखाने का आना। और वो दवाखाना, वो ड्राइवर यकीन मानो पूरे दलाल है, निकालो उसको यहाँ से। चार चार ड्राइवर है, देखो करोड़ों रुपये कमा रहे ना मेरा भाई, करोड़ों रुपये कमा रहे। एक एम्बुलेंस, एक ड्राइवर रहता सब आ जाते, मगर गरीब के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। क्यों? बच्चा भीख मांग रहा था, भीख मांग रहा था, मगर कौन सा शैतान मार दिया अल्लाह को मालूम। ले गया बस भाई। अरे किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा। हटा दो, हटो भाई। बात करो, पैसे बात करो।
पैसे पैसों से बात होती इधर पैसों से छोटी बात पैसों से बात कर लो क्लियर बात कर लो लाख दो लाख तीन लाख कितने बात करो इंसानियत कायम करो देखो उनको कोई भी नहीं चाहिए पूरा काम करके रखे इमरान भाई हाथ लगाओ भाई बरकात हो। बहुत ही अफसोस के साथ और बहुत ही शर्मिंदगी के साथ मैं ये अल्फाज बोल रहा हूँ और इस वीडियो के ज़रिए आप लोग सब जान ले। पहले तो चीज़ पूरे हिंदुस्तान में एक पेंडेमिक से पूरी इंसानियत परेशान है और इस ऐसे पेंडेमिक में एक ऐसे वाकया पेश आया जो टोलीचुकी इलाके में एक माँ अपने बच्चे के साथ खाना के इंतज़ाम में एक रोड क्रॉस कर रही थी और इसी के चलते इसी के दौरान एक ऐसा दर्दनाक एक खौफनाक वाकया पेश आया जिससे पूरी इंसानियत शर्मनाक हो चुकी है। मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि जब यह वाकया पेश आया एक दरिंदा एक शैतान एक मर्दूद का बेटा पता नहीं वो कौन था एक कार में और इतनी स्पीड से चलाते हुए एक बेटे को और एक माँ को टक्कर मारकर वहाँ से फरार हो गया और उसके बाद कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल वालों की। अब ये डेड बॉडी को जो बच्चा जगह पे ही फौत होगा और ये बच्चे की डेड बॉडी और माँ एक छोटे से जख्म लगे हैं एक माँ भी यहाँ पर उस्मानिया हॉस्पिटल में मुंतकिल है और डेड बॉडी जो बच्चे की डेड बॉडी थी ये बच्चे की डेड बॉडी उलैफ हॉस्पिटल को लेके वहां पर लेकर गया लेकर जाया गया। उसके बाद वहां पर के जो वाकया पेश आए हैं बहुत ही शर्मिंदगी और बहुत ही शर्मनाक है क्योंकि वहां पर का जो एक दलाल है जो इमरजेंसी में वार्ड में रहता है उसका नाम अशरफ है और ये ओलाइव हॉस्पिटल जब बिल्स बनाता है लाखों रुपए की बिल्स बनाता है और जब वहां पर सहूलत नामी जब चीज होती है ना तो वहां पर कोई एम्बुलेंस है ना तो कोई एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर है क्योंकि वहां पर जब मैं मालूम किया क्योंकि ये दूसरी मर्तबा है ये ओलाइव हॉस्पिटल का वाकया हर टाइम पे वहां पर एम्बुलेंस नहीं रहती और ड्राइवर कहीं सोते रहता है और बिल्स बनाते ये लोग लाखों करोड़ों रुपए के और इतने कमाते हैं पूछो मत। क्योंकि आज जो वाकया हुआ एक माँ और बेटा भीख मांगकर अपना पेट जो है भरा करते थे और अपनी जिंदगी चलाया करते थे ऐसे गरीब लोगों के साथ ऐसा जो वाकया पेश आया तो ये लोग ना तो एम्बुलेंस देते हैं ना तो कोई जिम्मेदारी लेकर अपना फर्ज जो है ना समझकर गरीबों के लिए मदद करते हैं। जब मैं वहां पर पहुंचा हमारे हसीब भाई ने मुझे कॉल किया कि यहाँ के हॉस्पिटल ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान कर रहे हैं ये क्योंकि वहां पर मैं जब गया एक एम्बुलेंस ठहरी है और एक ड्राइवर भी नहीं है। जब मैं वहां पर फौरी गया और इनके खिलाफ जब मैं पूछा सवाल जवाब जब पूछा तो ये लोगों के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं था और यहाँ के रियासती हुकूमत से मेरा एक दरख्वास्त है क्योंकि देखिए लॉकडाउन तो चल रहा टाइमिंग भी दे दी गई और ये टाइमिंग के दौरान कई नौजवान लड़के कारों के अंदर म्यूजिक लगाए हुए ट्रिपल राइडिंग करते हुए ना तो कोई चेक पोस्ट है ना तो कोई मास्क लगाते हुए घूम रहा है ना तो कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। तो यकीन मानिए हर दिन 100 के ऊपर मरीजें तेलंगाना में भर्ती हो रहे हैं और ये एक सजा है अपने मफाद के लिए एक रियासती हुकूमत भी मैं उनसे भी सवाल करता हूं क्योंकि यहां पर जो आम जिंदगी के साथ जो अपनी यहां की जो अपनी खुद की मफाद के लिए खुद के फायदे के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जिस तरह से यहां के आवाम के साथ जो खेल खेला जा रहा है ये एक मजाक है। क्योंकि देखिए जो ये वाकया पेश आया और ये करीब करीब 10:30 बजे का वाकया है और लॉकडाउन कब खत्म होता है स्टार्ट 9 बजे स्टार्ट होता है। तो देखिए ऐसे दरिंदे ऐसे शैतान के बच्चे बाहर निकलकर ऐसी दरिंदगी फैलाते हैं। तो मैं यहाँ के रियासती हुकूमत से एक दरख्वास्त करता हूँ पहले तो वो एक जो दलाल जो
ओलाइव हॉस्पिटल वहां पर जो दलाल बैठे हैं उनके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए और यहां पर के जो हालात बनते जा रहे हैं दिन पर दिन बदतर से बदतर बनते जा रहे हैं। डेली कोरोना वायरस सेंचुरी मार रहा है, एक सेंचुरी मार रहा है, 100 के पार पेशेंट्स जो है ये बीमारी में मुतासिर हो रहे हैं। भरे अल्फाज से मैं तहे दिल से यहाँ के रियासती हुकूमत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से एक दरख्वास्त करता हूँ, आप खुदा के लिए फौरी हर जगह पर एक चेक पोस्ट डालिए, जैसा कि आपने पहले जो फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ था आप जिस तरह से हर जगह पर तैनाती की थी, माशाल्लाह आपके पुलिस वालों में जो है सर फोड़े टांग तोड़े गरीबों की गाड़ी सीस गई, मगर उस तरह का लॉकडाउन नहीं चाहिए। आपके पुलिस वालों को भी थोड़ी हिदायत दीजिए, अच्छे तरीके से लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि आज तेलंगाना के हालात बस से बदतर हो जा रहे हैं। कोरोना वायरस से तो मौत नहीं हो रही मगर तरह तरह के जो है ना मौतें जो है ना हो रही है। तो इस रियासती हुकूमत को, यहाँ के गंगा जमुना तहजीब को हम कायम करते हुए मैं एक सोशल एक्टिविस्ट रहने की हैसियत से मैं एक अपील करता हूँ कि इन गरीबों के लिए और जो मुस्तहिकों के लिए आप कुछ एक सहूलती नामी चीज देकर इस लॉकडाउन को सफल करें और यहाँ के लोगों का दिल जीते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।